train station. So guys, अभी हम बरेली इज्जत नगर में हैं और वहां से हम पहुंच चुके हैं व्यंजन नगर, जो कि है रेल कैफे। और रेल कैफे में बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है, एक रेल का डिब्बा है, उसको कन्वर्ट करके रेस्टोरेंट बनाया गया है। एंड रेस्टोरेंट भी मतलब बहुत अच्छा बनाया गया है, अगर आप देखोगे हमारी वीडियो में तो बहुत अच्छा सेटअप है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर हॉल है जहाँ आप पार्टी भी कर सकते हो, एंड खाना भी जो हमने खाया है, आई थिंक जो भी हमने ऑर्डर किया है वो बहुत टेस्टी है। एंड मम्मी फुल और ये ओरिजिनल कोच है जिसको कन्वर्ट किया गया है। सो ऑल इन ऑल मेरे को अच्छा कॉन्सेप्ट लगा, खाना अच्छा है, टेस्टी है, मस्ट ट्राई है। एंड 2023 में ही खुला है और 2024 में हम आ गए हैं इसकी इनॉग्रेशन करने, पंजाबी पहाड़ी कनेक्शन। हाय गाइस, सो अभी हम एक बहुत ही अच्छी जगह पे आ चुके हैं। ज्यादातर हमने क्या सुना है कि रेल का खाना बड़े बेकार होता है ना, बड़े गंदे फीडबैक आते हैं, तो इसलिए हमने क्या सोचा कि हम ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ हम कह सके कि वाह रेल का खाना मजा आ गया खा के। और इसी जगह पे हम आए हैं जिसका नाम है रेल कैफे बरेली के अंदर, जहाँ पर ये रेल का डब्बा है जो कि पूरा बना हुआ है। और देखिए फैंस मेरे, रेल का खाना खा के दिखाएंगे। और ये बहुत ही बढ़िया सा बना हुआ है, मतलब फर्स्ट टाइम इस कॉन्सेप्ट में आया हूँ। और ये एक्चुअली रियल डब्बा है जिसको कन्वर्ट किया गया है एक रेस्टोरेंट के अंदर, जिसमें हम थोड़ी फोटोज भी खींचेंगे। वाओ नाइस, ओए वहाँ टी कोना भी है, नाइस, लेट्स गो। उधर एंट्री करने जा रहे हैं रेल के डब्बे में, आओ। रुकी, रुकी, रुकी। क्या बात है, वाह बढ़िया, वाह अंदर से बिल्कुल नॉर्मल टाइप का बना हुआ है, मतलब पता नहीं चल रहा कि कहीं से ये रेलवे का डब्बा है। तो क्या ऑर्डर कर रहे हैं आप? तो इस कैफे में हम आए हैं, इसका ये है रेल कैफे इज्जत नगर बरेली में, इसकी मेन्यू है। इज्जत नगर में हो सकता है ये व्यंजन हमारी इज्जत रखे। वैसे बाहर लिखा हुआ था इज्जत नगर टू व्यंजन नगर। ऑर्डर करते हैं, कुछ देखते हैं क्या है क्या नहीं। सो अभी हैं हम रेल कैफे में बरेली के अंदर, और यहाँ पर हमने आज ऑर्डर किया है बहुत ही मशहूर हैदराबाद पनीर, जो कि हम रोटी के साथ खा रहे हैं, प्लस हमने पिज़्ज़ा भी खाया था। खाना वाइज टेस्ट बहुत अच्छा है, एंड हैदराबाद पनीर मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, स्पाइसी टाइप का। मम्मी बताएंगी कैसा लगा आपको? ये मेरे को भी अच्छा लगा। कैसा लगा आपको? अच्छा है। अच्छा है, दिसंबर में ही हुआ ना शायद, और नहीं दिसंबर नहीं, सॉरी 2023 में, हाँ 2023 में शुरू हुआ ना। देख सो इस रेल कैफे में अगर आप पार्टी करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये भी सुविधा है। ये बहुत अच्छा सा हॉल टाइप बना हुआ है, यहाँ पे म्यूज़िक है, म्यूज़िक के लिए सिस्टम लगाया हुआ है, खाने पीने का आइटम है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये अलग डेकोर है, एंड देन यहाँ पर अलग डेकोर है। सही है, कॉन्सेप्ट अच्छा है ना। तो अभी हमने यहाँ पे डिनर किया था, हम घूम कर आए, फिर हमने सोचा चलो यहाँ पे एक यही अच्छी चीज़ है जो घूमने लायक है, तो आप जरूर आना अपनी फैमिली के साथ। और जो हमने खाया था हैदराबादी पनीर, वो टेस्टी और इतना टेस्टी, बहुत ज़्यादा टेस्टी था, आप भी ज़रूर ट्राई करना। और भी अलग अलग वेराइटीज हैं यहाँ पे, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ के शेफ बहुत ही प्रोफेशनल और बहुत ही क्लियर और साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे सब, तो आप ज़रूर एक बार ट्राई ज़रूर करना जब भी कोई भी आ रहा है बरेली पे। द रियल कैफे, रियल कैफे पंजाबी पहाड़ी कनेक्शन खुल गई, खुल गई। सो हेलो गाइस, हम लोग निकल गए हैं, हमारा चेकआउट है आज का, हम जा रहे हैं अभी ब्रेकफास्ट करने, एक दिन के मेहमान थे। और अभी हम थोड़ा मार्केट घूमेंगे, फिर हमारी रात की ट्रेन है 12 बजे की,
फिर हम निकल जाएंगे घर, मैं आपको घर को मिलेंगे। बाय। सो वेलकम बैक टू पंजाबी पहाड़ी कनेक्शन। अभी हम आ चुके हैं पंजाबी मार्केट में, बड़ेली झुमका बड़ेली वाला, बड़ेली की मार्केट में। मतलब मार्केट तो जिसमें हम आए हैं कोई मतलब बड़ी मार्केट नहीं है, मतलब बेसिकली ये ऐसा लग रहा चांदनी चौक की कोई लोकल मार्केट है। वहाँ पर हम आए हैं एंड वहाँ पर ये शॉप्स लगी हुई हैं छोटी छोटी, ये पूरी फैली हुई है दोनों तरफ शॉप्स। और रसम भी करेगी, बरेली भी, बरी भी करेगी, और शादी और वलीमा भी करेगी, सब करेगी, वलीमा भी करेगी, ये समझ लो आप। कब चलेगी, कब जाओगे? हाँ नहीं नहीं चलेगी। अरे भैया फोटो वोटो बदले हो यार, इनकी ले रहे हैं हम तो, बुढ़े आदमी हम भैया। अरे जवान हो भी तो आप। अरे कहीं दे बॉबी साहब। बड़ा बाजार मार्केट, अभी पंजाबी मार्केट से होके आए हैं एंड यहाँ से हमें जाना है कुछ, ये पुल वुल बन रहा है आई थिंक, तो छोटा सा कोई रास्ता होगा उसके नीचे से हम जा रहे हैं। चांदनी चौक की फील देते हुए, पुरानी जैसे मार्केट में हुआ करती थी वैसी है ये। काफी चलो चलो ये आ चुके हैं हम ज्वेलरी वाली मार्केट में। मार्केट में आए हुए ये सारी ज्वेलरी की मार्केट है, रेडीमेड होती है जिसमें कि आर्टिफिशियल हर तरह का सामान है। यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी दुकानें हैं यहाँ पे। समझ आया कुछ? समझ आ रहा है? देख लो ज्वेलरी की शॉपिंग चल रही है, बोल फुल कंसंट्रेशन से। दूसरी दुकान पे लगी पड़ी है। समझ आ रहा है? तो फाइनली इन्होंने सेट लेना तो ले चुके हैं और अब हम आ चुके हैं बहुत सारे अंधेरे में और अंधेरे से हम जा रहे हैं दूसरी गलियों की तरफ, दूसरी मार्केट की तरफ। और यहाँ से अभी पता नहीं है एग्जिट कहाँ से लेना है, अभी पूछ लेते हैं। अब पूछना कहाँ से बाहर का रास्ता। तो फाइनली होटल ब्लू बेल पहुँच चुके हैं, यहाँ पर हम स्टे कर रहे हैं अभी। फाइनली हम पहुँच चुके हैं रेलवे स्टेशन बड़ेली जंक्शन और अलविदा कह रहे हैं इस छोटी सी ठीक ठाक सी ओके ओके सी सिटी को। बेसिकली बरेली जंक्शन पहुंच चुके हैं एंड मुझे समझ नहीं आया कि तुमने क्यों छोड़ दिया, मतलब क्या सोचा था। ये स्टेशन है, मम्मी वेट कर रही है हमारा। कहाँ गए मेरे बच्चे, मेरे बच्चे कहाँ गए?